बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स, मैं नोटराम रोडली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि जिस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, राजस्थान से ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जी हाँ, कुछ नामों का ऐलान पहले भी कर दिया गया था और उसके बाद अब कुछ नाम और बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान इकाई के द्वारा जारी किए गए। प्रदेश अध्यक्ष सीताराम मेघवाल और प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली के अनुशंसा के आधार पर कुछ नाम तय किए गए हैं, जिनके अंदर आपको बता दें कि करीब 9 सीटों के ऊपर है ये नाम जारी किए गए हैं। तो आप इनमें से देख सकते हैं, राजस्थान का जो जयपुर शहर है वहां से जारी कर दिए, बाड़मेर से जारी कर दिए गए हैं, जोधपुर से जारी कर दिए हैं, जालौर, पाली, चित्तौड़गढ़ से भी है वो कुछ नाम सामने आ चुके हैं, टोंक सवाईमाधोपुर से भी है, बहुत सारे नाम सामने आए, और बांसवाड़ा से नाम सामने आए, राजसमंद से नाम सामने आए। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है जारी कर दिए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनके ऊपर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया और आधिकारिक प्रत्याशी इन लोगों को घोषित कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 2 चरण के अंदर चुनाव होंगे, 29 और 6 मई को ये चुनाव होंगे और उसके दौरान ये कुछ नामों का ऐलान बसपा सुप्रीमो की तरफ से जारी करने के बाद राजस्थान इकाई ने है वो जारी कर दिए गए, जिनके अंदर हम आपको कुछ नाम बताने जा रहे हैं। जयपुर शहर से उमराव सलोदिया को टिकट दी गई है और उमराव सलोदिया राजस्थान के अंदर बड़े आईएएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी के मामले के लेकर कई मामलों में सुर्खियों में रहे, राजस्थान का अधिकांश इलाका इनको जानता है। उमराव सलोदिया जयपुर शहर से इनको टिकट दिया गया है, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और आईएएस अधिकारी को नौकर शाह को यहां से बसपा ने टिकट दिया है। बाड़मेर से पंकज चौधरी को टिकट दिया है, पंकज चौधरी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, मोदी सरकार से लोहा लेने, वसुंधरा राजस्थान की वसुंधरा सरकार से भी लोहा लेने के मामले में इनको बर्खास्त कर दिया गया था और उसी समय इन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और अब बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दे दिया गया है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से इनको टिकट दिया गया है। मुकुल पंकज चौधरी जोधपुर से इनको टिकट दिया गया है, पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल पंकज चौधरी को भी जोधपुर से टिकट दे दिया गया है। सिंघा जालौर से भागीरथ विश्नोई को टिकट दिया गया है, पाली से शिवाराम मेघवाल को टिकट दिया गया है, चित्तौड़गढ़ से जगदीश कुमार को टिकट दिया गया है, टोंक सवाईमाधोपुर से लक्ष्मीकांत बेरवा को टिकट दिया गया है, बांसवाड़ा से बापूलाल भील और राजसमंद से श्री चेनाराम गोदारा को टिकट दिया गया है। तो ये नाम सामने है राजस्थान की तरफ से, 9 सीटों के ऊपर नाम सामने कर दिया है राजस्थान की इकाई ने और उसके अंदर जयपुर से उमराव सलोदिया आईएएस अधिकारी हैं, बाड़मेर से पंकज चौधरी आईपीएस अधिकारी हैं, मुकुल पंकज चौधरी जोधपुर से टिकट दी गई है, ये पंकज चौधरी की पत्नी है, दोनों पति पत्नी, और जालौर से भागीरथ विश्नोई को टिकट, पाली से शिवाराम मेघवाल को, चित्तौड़गढ़ से जगनीश कुमार को और टोंक सवाईमाधोपुर से लक्ष्मीकांत बेरवा को, बांसवाड़ा से बापूलाल भील को, राजसमंद से श्री चेनाराम गोदारा को टिकट दी गई है। तो ये टिकट के नामों का ऐलान किया गया है, जिनको आप देख सकते हैं बसपा की तरफ से 9 नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये आप बड़ी नाम राजस्थान की तरफ से बड़े घोषणा की गई। मिलेंगे किसी नई अपडेट नई वीडियो के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत।